All set. Red cherries. Batting. Artist Wallahs won the toss and they have decided to bat first. All the very best. पहला ओवर फाइनल का पहला ओवर सब ताली बजा के Come on, everybody, make some noise for both of the teams. Red Cherry Artist Management Premier League Season 1 फाइनल चालू हो रहा है. पहली गेंद ब्रिजेश के लिए और यहां पर पहले गेंद का सम्मान करते हुए डिफेंस करते हुए उठाकर मारने का प्रयास यहां पर डिसीजन अभी भी पेंडिंग है. अंपायर का डिसीजन क्या आता है देखना पड़ेगा. एक मिनट भाई सॉरी मैं बैठो बैठो नहीं 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 एक मिनट प्लीज बाहर से कोई कॉल ना करे हम पर अपना डिसीजन ले लेंगे. तुम लोग बैठे इसलिए मेरे पास मिल गया. एक बार रिव्यू चेक किया जा रहा है उसके बाद आपका डिसीजन दिया जाएगा. जो कैच हुआ है वो थोड़ा सा मुश्किल था फिर देखना पड़ेगा हम पर क्या डिसीजन देते हैं कौन से नतीजे पे जाते हैं. तो प्लीज़ बाहुबली के खिलाड़ी थोड़े से अंपायर के तरफ फैसला आ चुका है. अंपायर अपना मैदान में जाके डिसीजन दे दीजिए अपने जगह पे जाके. अंपायर का फैसला विकेट गिरती हुई पहले ओवर की दूसरी गेंद पे विकेट यहां पर ब्रिजेश की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी तौसीफ की. फाइनल का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है. रेड चेरीज आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 कौन रहेगा फाइनलिस्ट कौन रहेगा विनर कौन रहेगा सिकंदर आज का देखना पड़ेगा. सभी प्रेक्षक अपने टीम को चेयर करते हुए देखने को मिल रहा है. बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का मैं तो तारीफ करता हूँ. बहुत ही अच्छी है टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की हुई है. टूर्नामेंट मैनेजमेंट प्लीज एक लाइट का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा
दो गेंद डाल ही चुके हैं पहला ओवर तो से, बहुत ही अच्छा पहला गेंद, रन नहीं आया और दूसरे गेंद पे विकेट ब्रिजेश की। तो नए बल्लेबाज यहाँ पर मैदान पर भाविन, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ ये टूर्नामेंट। और यहाँ पर मैं सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से सुबह से लेके अभी शाम होने आई, शाम हो चुकी है और ये फाइनल का मुकाबला, कौन लेके जाएगा ये विनर की ट्रॉफी, बहुत ही अच्छी ये टूर्नामेंट देखने को मिल रही है। बहुत कम ऐसी टूर्नामेंट रहती है। थैंक यू सो मच ब्रदर। अभी पहले ओवर की तीसरी गेंद तौसिफ की बाविन के लिए, चलिए शुरुआत करते हैं। और बहुत ही अच्छा कारपेट ड्राइव यहाँ पर, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, दोनों खिलाड़ियों में अच्छा कॉल आता हुआ। आसिम और बाविन टीम का खाता खोलते समय तीसरे गेंद पर एक रन आती हुई यहाँ पर उठाकर खेलने का प्रयास, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, चौथा रन निर्धार। यहाँ पर डॉट गेंद की नोंद की जाएगी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन फिर से एक बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है। पहले ओवर की आखिरी गेंद और यहाँ पर अंपायर का नो का इशारा आता हुआ और एक रन के साथ नो प्लस वन, ऐसे दो रन स्कोर कार्ड पर लगेंगे और स्कोर बोर्ड आगे से रखता हुआ तीन रनों पर इस ओवर की आखिरी गेंद। फिर से एक बार डिफेंस करते हुए एक रन जरूर मिलता हुआ, दूसरा रन का यहाँ पर कोई मौका नहीं। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ चार रन, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बाहु बॉलिस की तरफ से, द आर्टिस्ट वाला फाइनल मुकाबला। सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए, पहले ही गेंद पे कोई रन नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर। देखना पड़ेगा कितने रनों का टारगेट दिया जाता है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर यहाँ पर डालते हुए गेंदबाज यश, और यहाँ पर एक मौका था कैच का, लेकिन एक मौका फिर से एक जीवदान मिलता हुआ आसिम को, कैच ड्रॉप होता हुआ, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बाहु बालिस की तरफ से, और यहाँ पर बैकफुट पे आके खेलने का प्रयास, बाहर निकल कर खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई आसिम ये विकेट गवाते चुके। दूसरा झटका लगता हुआ आर्टिस्ट वाला टीम को, नए खिलाड़ी आते हुए इस ओवर की दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, कुणाल नए बल्लेबाज इस शाम के, और थोड़ा सा लेट टाइमिंग, लेकिन एक रन जरूर बनेगा। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ दो विकेट के नुकसान पर छह रन। अभी आएगा तीसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर, पावर प्ले नेक्स्ट ओवर। कुणाल 77 जर्सी नंबर, वेरी एक्साइटेड, यंग एनर्जी,
पूरे दिन में एक ऐसा बल्लेबाज ऐसा गेंदबाज जो ऑलराउंडर के रूप में आया है वो कुणाल आर्टिस्ट वाला टीम की तरफ से, तो उनपे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस फाइनल मैच की। तो सबकी नजरें कुणाल पे डटी हुई, देखना पड़ेगा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। एक विस्फोटक ऐसे बल्लेबाज है कुणाल, 77 नंबर की जर्सी प्रदान करके पावर प्ले की पहला गेंद और यहां पर मिस कैच होता हुआ, और यहां पर थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। कुणाल को एक जीवदान मिलता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शोभित द्वारा। पावर प्ले का ओवर, प्लीज बॉल डालते समय एक yeah. आवाज ना करे, शोर ना करे बॉल डालने के बाद। और बहुत ही अच्छा टैप स्ट्रोक खेला हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। स्कोर हुआ है 1 अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, एक रन बढ़ती होती हुई इस तीसरे ओवर में। पावर प्ले का ओवर यहां पर चल रहा है, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेलता हुआ, देखना पड़ेगा कितने रन आते हैं। एक रन तो जरूर बनता हुआ, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी कुणाल और बाविन के द्वारा। सबकी निगाह है दोनों बल्लेबाज के ऊपर, बहुत ही अच्छा ड्राइव करते हुए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला हुआ है डाउन द ग्राउंड खेलते हुए, एक रन जरूर मिलता हुआ। अभी भी 2 गेंदे शेष है इस पावर प्ले की, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चल रही है। आखिरी तीसरे ओवर के आखिरी 2 गेंद शेष है यहां पर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शोभित द्वारा। और बहुत ही अच्छा कारपेट ड्राइव यहां पर देखने को मिल रहा है, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, मुकाबला करेंगे कुणाल, और यहां पर टैप स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और यहां पर तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। तीसरे ओवर के खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 16 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स द आर्टिस्ट वाला टीम की। 3 ओवर 16 रन, 3 ओवर 16 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फाइनल का मुकाबला है, आखिरी 4 ओवर अभी भी बचे हुए हैं गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज यश चौथा ओवर लेके आ रहे हैं, यश बाविन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वेट ऐसा कॉल आता हुआ बाविन की तरफ से कुणाल के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, गुड नाथ, एक तमाशा देख, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुद को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं विकेट पर, लेकिन बहुत ही अच्छा फटका। फिर से एक बार बाविन, देखना पड़ेगा कि बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। यहां पर नो गेंद का इशारा और छक्के, 6 रन आते हुए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी बाविन द्वारा देखने को मिलती हुई इस फाइनल के मुकाबले में। फिर से एक बार उठाकर खेलने का प्रयास, देखना होगा कितने रन मिलते हैं। एक ही रन मिलता हुआ, स्कोर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 बॉल हो चुके हैं इस ओवर के, 31 रन स्कोर कार्ड कर लग चुके हैं। फिर से एक टैप शॉट खेलने का प्रयास, एक रन तो जरूर मिलेगा। आने वाली आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, कुणाल मुकाबला करेंगे, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर, एक रन तो जरूर मिलता हुआ। और चौथे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ 33, लॉस ऑफ 2 विकेट्स,
द आर्टिस्ट वाला टीम। फाइनल का मुकाबला चल रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी प्रेक्षकों को। और AMPL लाइव की तरफ से ऑनलाइन देखने को मिल सकता है, यूट्यूब चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी लिंक शेयर करके आपके रिलेटिव और दोस्तों को इस टूर्नामेंट का आनंद दे सकते हैं। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं शोभित। इस फाइनल मुकाबले की पांचवी ओवर लेकर आ रहे हैं शोभित। मुकाबला करेंगे कुणाल। रन आ चुके हैं 33 चार ओवर के समाप्ति के बाद। पांचवी ओवर लेके शोभित, यहां पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक कुणाल द्वारा देखने को मिला है। एक रन जरूर मिलता हुआ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड पर रन आते हुए दो विकेट के नुकसान पर 34 रन 34 ऑन द बोर्ड। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गेंद जाती हुई तारा मंडल में, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं रहेगा क्योंकि गेंद इस नेट के बाहर जाती है, इस टर्फ के बाहर जाती है तो आपको आउट घोषित किया जाता है। तो पाविन की यहाँ पर खेल खत्म होता हुआ क्योंकि गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है, लेकिन जो रूल है कि नेट के बाहर नहीं जाना मांगता है, विकेट मैदान के बाहर नहीं जाना मांगता है, इसके वजह से आउट घोषित किया जाता है। तो तीसरा विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ आर्टिस्ट वाला टीम का। बहुत ही अच्छा मुकाबला यह फाइनल का, रेड चेरीज आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 का ये मुकाबला बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब ऑर्गेनाइज किया हुआ, बहुत ही अच्छी यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। शोभित गेंदबाजी के दौरान अपने को देखने को मिल रहे हैं बाहुबली की तरफ से। फाइनल का मुकाबला बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, यहाँ पर एक रन तो जरूर मिलता हुआ जसू जी एक मात्र ऐसे खिलाड़ी जो फुर्तीले है इस टूर्नामेंट में, बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। कुणाल के ऊपर सभी की निगाहें, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी यहाँ पर उभर के आए हैं, जैसे कुणाल है, शोभित है, जैसे आप देख सकते हैं तो सुबह की पहली मैच में चिची जो उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया था, बहुत ऐसे बल्लेबाज है, अक्षय है। फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, यहाँ पर 6 रन मिलते हुए इस समय जसू जी के बल्ले से आता हुआ 6 रन। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर मिलता हुआ 43 पांच ओवर के समाप्ति के बाद। स्कोर कार्ड पर स्कोर लगता हुआ आर्टिस्ट वाला टीम का 43। तौसिफ फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कुणाल और जिस तरह 43 ऑन बोर्ड 43। फाइनल का मुकाबला यहां पर, फिर से एक बार लगता हुआ 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ एक ज्वालामुखी फटका। बस कुणाल विकेट में रहेंगे तो हल्ला बल्ला हो जाएगा। फिर से एक बार, मात्र इस बार बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए, और जिस सबकी निगाह है कुणाल पे थी, एक थोड़ा सा
गेंद को हाइट नहीं मिली, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए शोभित। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर गैदर करते हुए फॉलो थ्रू में थोड़ा सा प्रयास किया और यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक, बैट की एज लगी थी लेकिन एक रन जरूर मिलेगा एक रन के साथ। अभी चार गेंद हुए हैं, दो गेंद का खेल शेष है। फिर से अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर लेकिन अच्छी फील्डिंग शोभित द्वारा, लेकिन ये फाइनल का मुकाबला है। कुणाल पे नजरें थी, अभी भाविंद पे नजरें थी सबकी, शोभित की नजरें, शोभित पे नजरें होंगी। और यहाँ पर व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का, इस एक रन के साथ एक रन का इजाफा होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। छह ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ 52। अभिजीत सावंत नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी देखने को मिलेंगे, जस्सी जी अभी स्ट्राइक एंड पर जिन्होंने एक छक्का जड़ दिया है। तो देखना पड़ेगा कितने रन आते हैं। 52 ऑन बोर्ड देखना होगा। यहाँ पर उठाकर खेलने का प्रयास, यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग शोभित द्वारा। आज शोभित ने सबकी दिलों पे छा गए हैं, शोभित सबकी नजरें हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ पर थ्रो किया जा रहा है, रन जरूर मिलेंगे। अभिजीत सावंत बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 7 नंबर की जर्सी परिधान करके। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है, इस इनिंग की आखिरी ओवर चल रही है, देखना पड़ेगा कितना स्कोर कितना टारगेट दिया जाता है। अभी फिर से एक बार नो गेंद, यहाँ पर नो गेंद का इशारा आता हुआ, एक रन जरूर मिलता हुआ। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, दोनों में बहुत ही अच्छा कॉलिंग है, एस नो और यहाँ पर एक रन मिलती हुई। और यहाँ पर कार्पेट ड्राइव, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, और यहाँ पर रन आउट होते हुए बल्लेबाज जश जी। आखिरी के तीन गेंद बचे हुए इस इनिंग के, 57 ऑन द बोर्ड आर्टिस्ट वाला टीम के। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है यहाँ पर, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए और स्कोर आता हुआ 61। अभी भी दो गेंद बची हुई, आखिरी दो गेंद बची हुई। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास यहाँ पर, रन आउट के रूप में अभिजीत सावंत यहाँ पर, और पिछले मैच के हीरो आ रहे हैं, सेमीफाइनल के हीरो अविनाश। लेकिन अविनाश यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिन्होंने जो सेमीफाइनल का नक्शा था पूरा चेंज कर दिया था, रास्ते बदल दिए थे पूरे। तो आखिरी गेंद 61 ऑन द बोर्ड और यहां पर अंपायर का वाइट का इशारा आता हुआ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 62 पर। और यहां पर विकेट का पतंग मैक यहां पर आउट होते हुए। तो 7 ओवर के समाप्ति के बाद, इस इनिंग के समाप्ति के बाद फाइनल मैच का स्कोर होता है 62 और 63 रनों का टारगेट दिया जाता है, 63 रनों का टारगेट दिया जाता है, 63 चेस करना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्डिंग रखनी पड़ेगी द आर्टिस्ट वालास को। वेल प्लेड एवरीबॉडी।
बहुत ही अच्छा मुकाबला, ये फाइनल का मुकाबला है रेड चेरीज आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग सीजन वन में। बट इफ आई टॉक अबाउट बाहुबलीज, दे होल टीम इज लाइक यू नो गुड इन बॉलिंग एंड बैटिंग। सभी लोग बाहुबली की तरह से कैरेक्टर कैच किया है। Because we have seen their matches and they have played really well, and they both are really good in batting and bowling also. So with this, best of luck. तो 63 रनों का टारगेट है, देखना पड़ेगा कि टारगेट की तरफ किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है टारगेट टफ है इजी है? What do you think? इजी तो नहीं है, क्रिकेट है, जब सबकी निगाह है तो। बट हम बाहुबली को ऑलरेडी प्ले खेलते हुए देख चुके हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट वर्क वी कैन एक्चुअली अज्यूम कि आने वाला जो मैच होगा वो कैसा होगा, और उनका जो पहला सारे जितने भी उन्होंने टारगेट्स यहाँ पर कंप्लीट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आई फील कि बहुत लेस है, लेस नंबर्स, बट फिर भी अगर द आर्टिस्ट वाला की फील्डिंग अच्छी रही तो हम जीत सकते हैं जी। तो पहले देखना पड़ेगा कि पहले आने वाले तीन विकेट्स, मयूर रहेंगे, सूर्यवीर रहेंगे, शोभित रहेंगे, इनके ऊपर सबकी निगाह रहेंगी। शोभित विकेट तो शोभित पे तो पूरी टूर्नामेंट उठा के रखा है, दिल पे छाए हुए आज के दिन में, तो देखना पड़ेगा कि शोभित की विकेट उसको चांस कितना मिलता है, राइट? तो कितने छक्के आएंगे, कितने चौके आएंगे, या फिर बड़ा बड़ा खेलते हैं वो यूजुअली, बहुत चौके छक्के मारते रहते हैं जी। लेकिन देखना पड़ेगा किस तरीके से खेलेंगे, अभी फाइनल का मुकाबला है, प्रेशर रहेगा थोड़ा सा, दिन अच्छा जाएगा, लेकिन आखिरी मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो फाइनल में आई है वो भी कुछ हासिल करके आई है, तो देखना पड़ेगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। कुणाल के ऊपर सबकी निगाह रहेंगी, बाविन की तरफ सबकी निगाह रहेंगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं दोनों। फील्डिंग देखना पड़ेगा कि किस तरीके से करेंगे, कैच छोड़ेंगे तो मैच छोड़ेंगे, कैच नहीं छोड़ना चाहिए, एक एक रन बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा एनर्जी अब यहाँ पर ज्यादा दिखाने की बारी है, जहाँ कंट्रोल करने की बारी थी पहले बैटिंग में, अच्छा स्कोर हो सकता था और अच्छा हो सकता था, बट अब हमें फील्डिंग जो है वो थोड़ी सी तगड़ी करनी पड़ेगी। सो एवरीबॉडी इज रेडी जी, लेकिन देखना पड़ेगा कि आर्टिस्ट वाले के गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है इस मुकाबले में, तो देखना पड़ेगा। तो कुणाल और बाविन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अविनाश तो बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है, क्या तो, बात है, तो देखना पड़ेगा किस तरीके से। बहुत अच्छे गेंदबाज है हमारी टीम में जो अमन प्रचित और सूर्यवीर यह बल्लेबाज मैदान में हासिल आते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। कुणाल गेंदबाजी करेंगे, इन दोनों के लिए गेम प्लान रहेगा बहुत ही अच्छा, मेरे को देखना पड़ेगा कि पावर प्ले के ओवर कौन हैंडल करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कुणाल की आने वाले मुकाबले में देखी हुई थी अपने आज के दिन में, तो देखना पड़ेगा उसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं कि नहीं। तो सभी ताली बजा के इस फाइनल मुकाबले को चेयर अप करेंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट भाई, 63 रनों का टारगेट, दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं फिर से एक बार। रेड चेरीज आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग, कौन बनेगा सिकंदर आज, कौन बनेगा सिकंदर, देखना होगा इस फाइनल मुकाबला कौन जीतता है। धुरंधर तो बहुत है, सिकंदर कौन बनेगा ये देखना है। धुरंधर तो यहाँ पर 18 खिलाड़ी धुरंधर है, अभी देखना पड़ेगा कितना है, और यहाँ पर उठाकर खेलने का प्रयास, एक रन जरूर मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कुणाल की, प्रचित स्ट्राइक एंड पर देखने को मिलेंगे दूसरी गेंद का, और यहाँ पर विकेट गवाते हुए। मैं बोल रहा था कि बॉलिंग अच्छी है, कुणाल को भूल के नहीं चलेगा कि पूरे टूर्नामेंट में एक बेहतरीन गेंदबाज आगे आया है वो कुणाल है। बल्लेबाज की देखेंगे तो कुणाल है, अभी सबके निगाहें देखना पड़ेगा कि कौन आता है बल्लेबाज के लिए। मयूर, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज मयूर आज के दिन में, उम्दा खेली है मयूर ने भी,
लेकिन गेंदबाजी बहुत ही तारीफ करूंगा कि मैं कुणाल की दो गेंदें अभी तक डाली हुई इस फाइनल मुकाबले में पहले ओवर में, एक विकेट का पतंग होता हुआ। देखना होगा तीसरी गेंद किस तरीके से डालेंगे मयूर के लिए। फिर से एक बार डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर स्वीप किया हुआ, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ दो रन अब तक। चार गेंद का खेल हो चुका है, पहले ओवर की दो गेंद शेष है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला। डेड बॉल, डेड बॉल रहेगा। डेड बॉल रहेगा। अगला गेंद, यहां पर बहुत अच्छा यॉर्कर लेंथ की डिलीवर थी। यॉर्कर लेंथ जो ब्रह्मास्त्र है क्रिकेट का, यो यॉर्कर लेंथ है। तो आखिरी गेंद इस ओवर की, देखना पड़ेगा किस तरीके से खेलेंगे। और यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग अभिजीत सावन की तरफ से, लेकिन उसको साथ दिया जस्सू जी ने। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। फाइनल का मुकाबला है, 63 रनों का टारगेट है, अभी भी 60 रनों की जरूरत है आने वाले 6 ओवर में। तो देखना पड़ेगा किसी तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कुणाल की देखी अपने पहले ओवर में। तो देखना होगा कि फिर से एक बार निगाहें रहेंगी सूर्यवीर और मयूर की तरफ। दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन आज की शाम किसके नाम, आज की शाम किसके नाम होती है, बाहुबली की तरफ से या आर्टिस्ट वाली टीम के, कौन बनता है आज के दिन का सिकंदर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिला इस पूरे टूर्नामेंट में बाहुबली। तो फिर से एक बार सबकी निगाह है इस टीम के कप्तान पर सूर्यवीर, वीरों के वीर सूर्यवीर यहाँ पर मैदान पर। अभिजीत सावन दूसरी ओवर डालने के लिए आ रहे हैं आर्टिस्ट वाला टीम की तरफ से। देखना होगा किसी तरीके से। और यहां पर उठाकर खेलने का प्रयास, कैच हो सकता है यहां पर, हम पर आउट का इशारा देते हुए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहला गेंद डाला दूसरे ओवर का, और दूसरे ओवर के पहले ही गेंद पे सूर्यवीर को बैक टू पैवेलियन की तरफ जाते हुए। प्लीज बैट थोड़ी सी आप अंदर लेके जाइए सूर्यवीर जी, दोनों बैट आपके हैं, तो प्लीज थोड़ा सा। बहुत ही अच्छे मुकाबला चल रहा है, फाइनल का मुकाबला है। प्रणव अभी भी शोभित को रुकाया गया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभिजीत द्वारा देखने को मिल रही, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर, हम पैर का फैसला देखना पड़ेगा क्या आता है। प्लीज हम पैर यहां पर एक रन आएगा कि बॉल लग के बाहर गई है, बॉल लग के बाहर गई है। आप बाहर से कोई नहीं कहेगा इस, मैं दरख्वास्त करता हूँ सबसे, हम पैर अपना डिसीजन देंगे क्योंकि दिखा है। प्लीज हम पैर यहाँ पर आइए, थर्ड अंपायर की तरफ आ जाइए। थर्ड अंपायर आ रहे,
बाहर से कोई कॉल नहीं करेगा, मैं विनती करता हूँ सबको, बॉल जरूर बाहर गई है लेकिन ऊपर की रोप है उसको लग के गई है, तो इसके लिए एक रन का इजाफा जरूर मिलेगा। प्लीज बाहर से कोई डिसीजन ना दे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभिजीत सावंत की तरफ से देखने को मिल रही है। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक रन तो जरूर मिलता हुआ। तीन गेंद यहां पर अभी भी शेष है लेकिन स्कोर कार्ड अभी 5 रनों पर जाता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर मिस फील्ड कुणाल बहुत बड़ी गलती करते हुए, प्रणव का बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, कार्पेट ड्राइव खेला किया हुआ ये स्ट्रोक था लेकिन दो पैरों के बीच से जाती हुई गेंद जमीन को काटती हुई जा रही थी। यहाँ पर एक रन जरूर मिलता हुआ, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद अभिजीत सावंत की मयूर के लिए, अंपायर का नो का फैसला आता हुआ और उसी के साथ स्कोर होता हुआ 12 रनों पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर आता हुआ 12। और बहुत ही अच्छा प्रयास किया था बाविन ने लेकिन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। बाहुबली बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, उनका हुकुम का इक्का जो कहते हैं ताश के पत्तियों में हुकुम का इक्का रहता है, वैसे एक इक्का छुपा के रखा है अभी भी उन्होंने। लेकिन मयूर और प्रणव बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, पावर प्ले का ओवर, जितने भी रन आएंगे वो दुगने हो जाएंगे, विकेट गिरेंगे तो 7 रन माइनस हो जाएंगे, ये ध्यान में रखे। फाइनल का मुकाबला है, भाविन गेंदबाजी के लिए, मयूर के लिए। बहुत ही अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि उनको पता है कि 6 रन भी आएंगे तो 12 रन बन सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कि कितने रन आते हैं इस ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी प्रणव और मयूर के द्वारा। फाइनल का मुकाबला बाहुबली की तरफ से देखने को मिल रहा है बल्लेबाजी, तो आर्टिस्ट वाला टीम फील्डिंग की तरफ देखने को मिल रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं बाविन, और अंदर आती हुई गेंद बहुत ही अच्छी गेंद बाविन की। और यहां पर देखना पड़ेगा, यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गंवाते हुए मयूर डगआउट में जाते हुए, यहां पर अभी उगुम का एक आता हुआ शोभित यहां पर आते हुए बल्लेबाजी के लिए, थोड़ा सा डबल माइंड हुए मयूर, हा या ना में फंस गए और यहां पर रनआउट के रूप में बाद होते हुए। अभी सबकी निगाह है शोभित की तरफ लेकिन गेंदबाज यहां पर बेहतरीन बाविन। आज की शाम किसके नाम देखना पड़ेगा। फिर से एक बार शोभित वेट ऐसा कॉल देते हुए, जिस तरीके से एक मूवी थी मैं हूं ना, इसकी तरह से कह रहे हैं मैं हूं ना। और यहां पर कैच का मौका था लेकिन बहुत ही अच्छी एफर्ट्स बाविन की, और लाज बोलना। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, लो
हेलो और तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ सत्रह रन 17 ऑन बोर्ड सो केजल इसे कहते हैं असली धमाका ये एएमपीएल का और ये है एएमपीएल जहां पे जीतती हुई टीम हार जाती है और हारी हुई टीम जीत जाती है क्या बोलते हो क्योंकि जो धमाकेदार प्रदर्शन इसके पहले रेड चेरी लेजेंड्स ने किया था वो वाकई में काबिले तारीफ था लेकिन लास्ट जो दो बॉल्स थी उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया है और इसी तरह यहाँ पे भी जिस तरह से बाहुबली बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से हमारे आर्टिस्ट वाला ने उन्हें थामे रखा है एक जगह पे यू नो बनाए रखा है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है ये भी वाकई में काबिले तारीफ है जैसे मैंने सुबह ही आते हुए पहले मैच में ही बोला जब तक लास्ट गेंद और जब तक लास्ट रन नहीं बनता तब तक आप नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा वही पिछले मैच में हुआ अभी वही देखेंगे कि किस तरीके से बल्लेबाजी कुणाल अभी सबकी निगाह कुणाल और शोभित ये आज के शाम के तारे है चमचमाते तारे है चमचमाते तारे बिल्कुल सही कहा आपने और यही असली थ्रिल है बेहतरीन मैं तो लगता हूँ अंडर आर्म में LBW होता तो ये विकेट रहती बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कुणाल की शोभित के लिए फिर से एक बार बीच में बोलो मत नो का इशारा आता हुआ हर एक रन बहुत IMP है बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था लेकिन बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बैट की अंदर ने एज लगती हुई एक रन जरूर मिलता हुआ इस रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 19 रन और यहाँ पर 19 रन घुमाने का बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन बॉल नहीं आई बैट के ऊपर लेकिन मेरे तक हवा जरूर आई थी बहुत तेज घुमाया था भाई ने प्लीज हर बॉल पे आप कॉल नहीं दे सकते और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्पेट ड्राइव प्रणव की तरफ से लेकिन एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा एक रन के साथ स्कोर उनका फील्डिंग अभिजीत सावंत की 20 रनों पर बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए उठा दिया है आती हुई 6 रनों के लिए शोभित ने शोभा जमा दी मैच की और बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर शोभित द्वारा एक छक्का आता है तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं और कुणाल के ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ 27 27 रनों पर अठारह गेंदे और 36 रनों की जरूरत हर गेंद पे 2 रन आना जरूरी है क्या लगता है केजल कौन सी टीम जीतेगी क्या बोलते हो आप अभी मैं तो जहां जहां जाता हूँ तभी कुछ नहीं कहता हूँ जब तक आखिरी गेंद नहीं तब तक कुछ नहीं नहीं लेकिन जिस तरह से बाहुबली अपना प्रदर्शन करते आ रहे हैं इतनी पूरे मॉर्निंग से वो बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं क्या लगता है आपको जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रखना है तो जीत हासिल होगी लेकिन सामने वाली टीम चाहेगी कि ये सिलसिला यहाँ पे रुक जाए क्योंकि उनको ट्रॉफी आज जीतनी है ये तो अपन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही देखेंगे कि कौन ट्रॉफी उठाता है और तस्वीरें डालता है लेकिन देखना पड़ेगा बाविन अभी गेंदबाजी के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आज की शाम में ना ये पूरा टूर्नामेंट में मुझे जो पसंद आई हुई गेंदबाज है वो बाविन है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी है और रेड चेरीज IMPL में ये जो थ्रिल देखने को मिला है ये वाकई में एक आपके अंदर एक उत्साह और वो जोश एक पैदा हो रहा है वापस से भाविन बॉलिंग पे
मैं मुझे लगता है कि बाविन एक ऐसे गेंदबाज है वो शोभित को डगआउट में डाल सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। शोभित अपने पूरे फॉर्म में है लेकिन और यहाँ पर मौका था, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छा प्रयास था फॉलो थ्रू में आउट करने के लिए, लेकिन एक रन जरूर मिलता हुआ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है। अट्ठाईस रन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करो भली, बहुत स्लो स्लो बोलना भी सब सीरियस मूड में, मतलब भी करो नहीं स्लो नहीं होगा सर करो, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर बाविन द्वारा देखने को मिल रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर, ऐसा तो कर मैं तो तीन बॉल ना, लोग बुराई कर रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं मेरी, और यहां पर बैट में क्या बात है। मैं क्या बोल रहा था, मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ कमेंट्री के लिए, लेकिन यहाँ नहीं आते होंगे क्योंकि यह रेक्चर इज एमपीएल। जी जी मैं बोल रहा था कि डगआउट में भेजना होगा तो बाविन को बुलाना होगा, बाविन की गेंदबाजी है शाम की एक बेहतरीन गेंदबाज, मैं बोल रहा था क्या बात है। टीम में बाविन ने वो उत्साह पैदा कर दिया है कि जीत की ओर अग्रसर होते हुए यहाँ पे आर्टिस्ट वाला पूरा जोश, पूरी जोश में आ चुकी है टीम, और अब देखते हैं अभी जो टीम खेल रही है ना आर्टिस्ट वाला टीम, ए अविनाश की वजह से खेल रही है जिसने अभी स्प्रे रेल स्प्रे देना भाई, फर्स्ट एड किट प्लीज, रेल स्प्रे। मैं बोल रहा था ना कि अविनाश जिन्होंने मैच लाया था सेमीफाइनल्स के तरफ से फाइनल में लेके आए, अभी कैच भी जिसका पकड़ा है ना वो मैच पकड़ा है, अभी देखना होगा क्या होएगा। बोलते हैं ना टीम में एक छुपे हुए तारे रहते हैं, वैसे अविनाश है एक छुपा हुआ तारा है, सितारा 29 है। स्कोर 29 फोर विकेट, जिसे तराशना अभी बाकी है, लेकिन आज की शाम तो देखना होगा किसी के नाम होती है बाहुबली 34 या आर्टिस्ट वाला, बहुत ही अच्छी 24 ना 34 29 स्कोर हुआ है अभी तक, 29 रन बन चुके हैं मेरे को वहीं, इसलिए मैं वहीं बैठता हूं मुझे और बाल बाल बच गए, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड की तरफ से, वाइड आता हुआ एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर, और यहां पर थोड़ा वेट कॉल आता हुआ यश, ये बॉल अंदर जा सकती थी स्टंप पे बट गुड गुड ट्राई गुड ट्राई, और यहाँ पर बॉल, यहाँ पर मैं बोल रहा था जो अविनाश है ना, जैसे जैसे शाम होती जा रही है अविनाश के जो सितारे हैं वो ऊपर जाते जा रहे हैं। अविनाश आप बिल्कुल जो छुपा हुआ खजाना है ना वो अविनाश है, सितारे तो बहुत सारे होते हैं आसमान में लेकिन छुपा हुआ सितारा अविनाश है। अविनाश 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 अविनाश, ये कमाल पता है आपको क्या है, आई सेड समथिंग टू यू रिमेम्बर दैट, डू यू रिमेम्बर दैट, ये उसी का कमाल है। बट बाहुबली में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर भरे हुए हैं, कभी भी मैच पलट सकता है, तीन बॉल में भी वो मैच पलट सकते हैं, बिल्कुल सही कहा बिल्कुल। लेकिन मैं तारीफ करूंगा प्रणव, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छी, एक दूसरा मुकाबला था बाहुबली का वो शोभित वहां भी जल्दी आउट हुए थे तो प्रणव ने पकड़ के रखा था वो मुकाबला, बहुत ही अच्छी पारी खेली थी तब। हमारी ऑडियंस का एक बार रिव्यूज लेते हैं कैसा लग रहा है उनको, सो मौज जी बहुत ही ज्यादा रोमांचक ये मैच देखने को मिल, 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत था। राजा हाउ आर यू फीलिंग, दो सेकेंड हम रिव्यूज ले ले हमारी ऑडियंस से, अच्छा रेडी है सब रेडी है,
यहाँ पर आता हुआ छक्का मैच में वेरी गुड ट्विस्ट आता हुआ बहुत इजी सिक्स मारा प्रणव ने यहाँ पे Amazing बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रणव मैं बोल रहा था ना प्रणव वो काबिलियत है कर सकते हैं फिर से एक बार यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग कैच का मौका था लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैकअप मिलता हुआ 37 ऑन द बोर्ड 37 ऋषभ अभी बल्लेबाज के लिए अरे मार बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर मिल 38 रनों पर 38 स्कोर 25 चाहिए ना अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक रन प्लस हो जाएगा यहाँ पे वाइट और नो बॉल्स जितनी भी है बहुत काम की है और यहाँ पर बाल बाल बच गए बाल बाल बच गए सबकी निगाह है प्रणव की तरफ थी लेकिन जिस तरीके से बच गया है ना गेंद ये देखना पड़ेगा किसी प्रकार से जद्दोजहद करते हुए है किस तरह से वो लाइन लेंथ बना के रखे यहाँ पर और डेफिनेटली ये प्रेशर कायम है दोनों टीमों के ऊपर फिर उठा दिया है छह के लिए दस बॉल और वही मौके का फायदा उठा रहे जैसे मौका दिया वैसे छक्का जड़ दिया बहुत ही अच्छा बल्लेबाज प्रणव इसे ही बोलते हैं कि जल मौके पे चौका फिर उठा दिया है छह रन के लिए मैं बोल और यहाँ पे कितना चाहिए अभी 12 कितने बॉल में शोभित शोभित को देखा शोभित की याद अभी आ ही नहीं रही है प्रणव को देख रहे हैं ना छह बॉल में 12 रन छह गेंदों में 12 रनों की जरूरत 51 रन आ चुके हैं और 5 विकेट गवा चुके हैं देखना पड़ेगा आने वाले आखिरी ओवर किसकी रहेगी ऋषभ और प्रणव देखते हैं 12 रन पूरे किए जाते हैं क्या सुपर ओवर का मैच बन सकता है क्या क्योंकि यही मुकाबला था सेमीफाइनल का 6 रन और 12 रनों की जरूरत थी तभी अविनाश ने वो चमत्कार किया था चमत्कार तो भारत में बहुत होते रहते हैं लेकिन अब अविनाश के चमत्कार पे नमस्कार करना रहेगा अगर इस बार वापस उन्होंने एक चमत्कार कर दिया तो बिल्कुल मैं नमस्कार करना चाहूंगा अविनाश को और पहली बॉल और अविनाश की जद्दोजहद यहाँ पर देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ब्रिजेश द्वारा 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत आगे कर खेलेगा बहुत बहुत ही अच्छी फील्डिंग फिर ट्राई किया ऋषभ ने दूसरा रन लेना चाहेंगे लेकिन एक रन से ही संतोष मुझे लगता है कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा प्रणव को मिलनी चाहिए अभी भी 4 गेंदे बची हुई प्रणव पे पूरी उम्मीदें टिकी हुई है बाहुबली इसकी और 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत है जीतने के लिए बहुत ही अच्छा मुकाबला फाइनल का मुकाबला सभी की धड़कनें तेज होती हुई यहाँ पर आने वाली 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत है बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी प्रणव की देखने को मिल रही थी 2 मिनट्स अगली गेंद प्लीज बाहर से कॉल नहीं करेंगे अटेम्प्ट करता तो नो बॉल दिया जाता था लेकिन वाइड है आप थोड़े से पेशेंस रखिए अंतिम फाइनल का मुकाबला है एक रन जरूर मिलता हुआ लग गया अगेन और यहाँ पर प्रणव गलती कर बैठे पहले दौड़ते थे पहले कॉल आती थी दोनों में थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता था तो जरूर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता लेकिन अभी भूलना नहीं चाहिए आने वाले बल्लेबाज
कौन रहेंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, दोनों में थोड़ा सा मिस कन्वर्सेशन हुआ, मिस कॉल हुआ, और इसी की तरफ से एक ही रन आया। नौ चाहिए ना, कितना हुआ? इसे ही कहते हैं फाइनल का थ्रिल। जी हाँ, रेड चेरीज एमपीएल में 54 ऑन द बोर्ड। बाहुबलीज तीन गेंदों में 9 रनों की जरूरत, तीन गेंदों में 9 रनों की जरूरत। बॉल डालते समय कोई बोलेगा नहीं, बॉल डालते समय कोई बोलेगा नहीं, इसकी आप विनती करता हूं। आने वाली अगली गेंद, नो गेंद, यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, नो प्लस टू, ऐसे तीन रन मिल चुके हैं। अभी तीन गेंदे और 6 रनों की जरूरत, तीन गेंदे 6 रनों की जरूरत, तीन गेंदे 6 रनों की जरूरत। अरे बॉल काउंट नहीं हुआ ना सर, नो बॉल था। तीन में छह, फाइनल का मुकाबला। इसे कहते हैं फाइनल का मुकाबला। आखिरी गेंद पर आना मांगता है। क्या लास्ट बॉल? दो में पांच, दो गेंदे 5 रन की जरूरत। दृश्य बाउंस ट्राई, थ्रिल है, ये है असली थ्रिल। इसे कहते हैं थ्रिल, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी, इसे कहते हैं फाइनल, और इसे कहते हैं रेड चेरीज एमपीएल। बहुत ही अच्छा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं। ये मुकाबला देख के ना सबके होश उड़ गए, सबकी ठंडी उड़ गई है। ठंड लग रही थी लेकिन अभी किसी को ठंड नहीं, गर्मी लग रही है। ये बल्ला बोल रहा है, ब्रिजेश जिसकी जरूरत नहीं थी वो हो रहा है। दो में दो आते थे, फिर भी सुपर ओवर हो सकती है, देखना पड़ेगा क्या होता है। एक डॉट गेंद फिर से मैच का पूरा रुख बदल सकता है। दो में दो भी आते हैं तो सुपर ओवर खिला सकते हैं। तौसीफ, देखना पड़ेगा किस तरीके से खेलेंगे। दो में तीन क्या रहेगा इस दो गेंद का समीकरण। बहुत ही अच्छा मुकाबला यह, ब्रिजेश थोड़ा सा फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस होते हुए, वही मारने का सोच रहा है। दो बॉल, क्या बात है, एक रन भी आती है तो फाइनल का मुकाबला सुपर ओवर में जा सकता है। एक रन की दरकार है, मैं तो अभी कहूंगा नहीं कि दो रन चाहिए, मैं तो कहूंगा एक रन चाहिए। दो रन आते हैं तो ऐसे ही जीत सकते हैं, लेकिन एक रन आएगा तो सुपर ओवर हो जाएगा। यह एमपीएल का महामुकाबला, रेड चेरीज एमपीएल महामुकाबला। मुझे देखना है कि दो रन बनते हैं कि नहीं। इस मैच का, इस पूरे टूर्नामेंट का सिकंदर बनने का चांस है और ऋषभ को है। एक गेंद 2 रन की जरूरत। वाकई में बोलना पड़ेगा कि दोनों टीम अपने आप में एक से बढ़ के एक धुरंधर है, और सिर्फ जीत और हार ही करना है। इसलिए तो देखते हैं अभिजीत की टीम मोहब्बतें लुटाएंगी या बाहुबली की बल्ले बल्ले होगी। लेट्स सी। एक प्लीज सॉन्ग, प्लीज 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 स्टॉप। एक गेंद 2 रन, सबकी निगाह है ऋषभ पर। देखते हैं आज की शाम ऋषभ के नाम हो सकती है क्या। ब्रिजेश और ऋषभ दोनों में होता हुआ मुकाबला मेरे को देखने को मिल रहा है।
अरे और यहाँ पर और यहाँ पर बाउ पेरिस की टीम बहुत ही अच्छा मुकाबला, इसे कहते हैं फाइनल, इसे कहते हैं फाइनल, बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही हेलो हेलो आज की शाम बाहुबली के नाम, बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही अच्छा मुकाबला।